खबर देखिए, मौसम का मिजाज बदल चुका है और मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम इन्फेक्शन एलर्जी की तकलीफ बढ़ने लगती है। कभी कोहरा, कभी सर्द हवाएं, कभी तेज धूप, कभी बारिश, ऐसा मौसम सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह बताया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि सर्दी जुकाम के घरेलू उपाय क्या हैं, कैसे डॉक्टर के पास ना जाकर घर पर ही क्योर आसानी से आप कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है, ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार की समस्या से बहुत ज्यादा दो चार होना पड़ता है। मौसम बदलने का असर ये होता है कि सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। कई लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों को सांस फूलने जैसी संबंधी बीमारियों से दो चार होना पड़ता है, निमोनिया इसकी वजह से छोटे बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड इन्फेक्शन जैसी फ्लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों को। अब ऐसे में इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, घर पर ही घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, ये आप जानिए। अदरक की चाय सबसे बेहतर रहेगी। अगर आप चाय के शौकीन नहीं भी हैं तो एक कप चाय ऐसे मौसम में आप जरूर पीजिए ताकि आपके गले को आराम मिले, और अगर चाय में अदरक डालकर आप पियेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि हल्दी वाले दूध का आप सेवन कीजिए, खासतौर पर रात को सोने से पहले अगर हल्दी वाला दूध आप पीते हैं तो फिर आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा लहसुन शहद और नींबू का रस आप पी सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। चाहे तो सुबह उठकर पी लीजिए या फिर रात को सोने से पहले आप इसका सेवन कीजिए। इसके अलावा सूप भी बताया जाता है कि फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ठंडा कुछ खाएंगे पियेंगे तो आपका गला खराब हो सकता है। सर्दी जुकाम से बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, कोशिश करें कि आराम करें, आप थकान से बचें, अपने शरीर को थकने बहुत ज़्यादा ना दें, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं, नाक बंद होने पर स्टीम लें, भाप लें, नमक के पानी से गरारे भी आप अगर करते रहेंगे तो फिर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। नमक के पानी के गरारे चाहे तो आप सुबह कर सकते हैं या फिर सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगर ज़रा भी गला खराब लग रहा है या फिर ज़रा भी आपको लग रहा है कि जुकाम आपको हो सकता है तो स्टीम आप पहले से ले लें, भाप लेने से बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा।